हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास सेकंड के मैथ्स के सिलेबस। इसके अंतर्गत पहला चैप्टर के बच्चों को रिवीजन करवाया जाता है नंबर 1 से 100 तक, जो कि क्लास फर्स्ट में उन्हें करवा दिया जाता है। नंबर्स नेम भी और नंबर लिखना, उसे ही रिविजन करवाया जाता है। सेकेंड चैप्टर हो जाता है व्हाट इज़ द लॉन्ग एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। इसके अंतर्गत उन्हें ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल, जैसे नंबर ऑफ़ फेस कितने हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ कॉर्नर, नंबर्स ऑफ एज, जो इस प्रकार के क्वेश्चंस उन्हें क्लास फर्स्ट में भी करवाए जा चुके होते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार का हो जाता है ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच ऑब्जेक्ट गिवेन एंड सर्कल द ऑड वन आउट, यानी इस प्रकार के जो सेफ हैं, अदर कौन कौन से सेफ हैं और ऑड ऑन को, ऑड वन को सर्कल करना है। जैसे मान लीजिए ये सेफ है, रेक्टेंगल सेफ है, ये तीनों रेक्टेंगल सेफ है जबकि ये डिफरेंट सेफ हैं, तो इसको सर्कल कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें इसी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं, मैच द सिमिलर सेफ, कौन कौन से सेफ सिमिलर हैं, जैसे देखिए ये और ये सिमिलर हो रहा है, सर्कल एंड सर्कल सिमिलर है। इस प्रकार इन्हें ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करना बताया जाता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत फिर सर्कल द लॉन्ग ऑब्जेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से ऑब्जेक्ट लॉन्ग है, कौन से सर्कल में है, राउंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, सर्कल ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसी प्रकार नेक्स्ट इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, सर्कल द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। तो इस तरह इस चैप्टर्स में व्हाट इज़ द लॉन्ग एंड व्हाट इज़ द राउंड, फिर इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड, जैसे बैट लॉन्ग है या राउंड है, बॉल लॉन्ग या राउंड, क्वाइन लॉन्ग या राउंड, इस प्रकार ऑब्जेक्ट को रिकोगनाइज करना उन्हें सिखाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है काउंटिंग इन ग्रुप्स। काउंटिंग इन ग्रुप्स के अंतर्गत काउंटिंग इन ग्रुप्स में ऑर्डरिंग नंबर सीखते हैं, काउंट को ग्रुप में काउंट करना सीखते हैं, मिसिंग नंबर है, मोर और लेस नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देख लेंगे काउंटिंग इन ग्रुप्स के किस प्रकार के एग्जांपल्स रहते हैं। इस प्रकार के इन्हें क्वेश्चंस दिए रहते हैं काउंटिंग इन ग्रुप्स में, यानी ये कितने ग्रुप्स बना रहे हैं, या फिर इन्हें कितने ग्रुप्स हो रहे हैं, नंबर्स ऑफ ग्रुप्स इसमें कितने हो रहे हैं, और लेफ्ट आउट ऑफ ग्रुप्स कितने छूट रहे हैं। इस प्रकार के इन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंतर्गत इन्हें आपका मिसिंग नंबर क्या होता है, राइट इन फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डर क्रम में हम कैसे लिखते हैं, जैसे ये आगे पीछे लिखा गया है, इसको हम ऑर्डर क्रम में लिखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, या मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं, जैसे 2 मिसिंग नंबर है, 3, 4 तो यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, फिर इसी प्रकार हो गया 23, दो बॉक्स खाली है, फिर 26 तो क्या हो जाएगा 24 एंड 25, फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन हो गए, राइट द मिसिंग नंबर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर सच एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड विच टेल अस द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कलेक्शन आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। जब हम ऑब्जेक्ट के कोई पोजिशन के आधार पर उनको लिखते हैं तो वो ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे ऑर्डिनल नंबर इस प्रकार हम लिखते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जैसे हम फोर्थ लिख रहे हैं तो 4th हो रहा है, फिफ्थ 5th, जबकि फर्स्ट यानी फर्स्ट 1 and ST करेंगे, सेकेंड में सेकेंड एंड ND लग जाता है, थर्ड में 3 and RD लग जाता है, जबकि और सारे जो हैं 10th तक इनको करवाया जाता है जिसमें TH करके लगे जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए रिफर द पिक्चर एंड इंडिकेट पोजीशन ऑफ ईच एनिमल्स, ये पिक्चर बता दिया गया, इसमें पोजीशन इन्हें लिखना है, जैसे हॉर्स कौन से पोजीशन पे है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th इस प्रकार हम काउंटिंग करेंगे, तो इसमें कौन सा पोजीशन हो रहा है, हॉर्स का 4th पोजीशन, तो 4th यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया इनका 4th पोजीशन, इस प्रकार ये नंबर्स चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हाउ मच कैन यू कैरी। इसके अंतर्गत हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट को रिकोगनाइज करना बच्चों को बताया जाता है। फॉर एग्जांपल, टेक द ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स डैट आर हैवियर, यानी इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है, दिस या दिस, तो दिस इज हैवियर ऑब्जेक्ट्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है काउंटिंग बाई टेंस, वन प्लेस एंड टेन प्लेस, काउंटिंग बाई टेंस। इसमें वन प्लेस एंड टेन प्लेस पे कैसे पहचानना है वो बताया जाता है, और काउंटिंग बाई टेंस के आधार पर इन्हें काउंटिंग करना सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे, देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि सर्कल द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो ग्रुप इन टेंस, राइट द टोटल नंबर, यानी कौन से ग्रुप में हो रहे हैं। तो ये एक ग्रुप बना रहे हैं, टेन के एक ग्रुप बन रहे हैं, जबकि दूसरे वाले टेन के दूसरे ग्रुप नहीं बन रहे हैं। तो इसमें एक ही ग्रुप बन रहे हैं तो वन लिखाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें दो ग्रुप बन रहे हैं और वन लेफ्ट हो रहा है, तो दो ग्रुप और वन इस प्रकार लिखाएंगे। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन आते हैं, राइट द करेक्ट फॉर इच फॉलोइंग, फाइव टेंस एंड थ्री वंस, एट टेंस एंड सेवन एंस को हम क्या लिखेंगे। तो फाइव टेंस क्या हो जाएगा, फाइव एंड थ्री, थ्री वन पोजिशन पर हो गया, फाइव एंड टेन पोजिशन पर हो गया। तो इस तरह की इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर इसी प्रकार में हो जाता है सर्कल द नंबर डैट हैज फोर इन वन प्लेस, फोर जो है वन प्लेस पे कौन सा है, तो वन प्लेस पे फोर जो है ये हो रहा है, तो ये हमारा सर्कल हो जाता है फोर इन वन प्लेस पे। तो एक ही ऑब्जेक्ट में फोर वन प्लेस पे है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पैटर्न, पैटर्न इन्हें तीन प्रकार से करवाया जाता है, पैटर्न अराउंड अस यानी हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आधार पर पैटर्न, पैटर्न इमेज और कलर, कलर या कुछ इमेज दिए जाते हैं उसके आधार पर, और तीसरा नंबर पैटर्न यानी नंबर्स के आधार पर पैटर्न करवाए जाते हैं। चलिए एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखिए व्हाट कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग पैटर्न, यानी एक इमेज दिया गया इसके आधार पर नेक्स्ट पैटर्न क्या हो जाएगा, वन टू वन टू इस तरह का पैटर्न चल रहा है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, ये पैटर्न हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का इमेज से पैटर्न हो जाता है। इसी प्रकार देखिए इमेज से इस प्रकार के पैटर्न हो जाएंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। फिर नंबर पैटर्न्स, देखिए नंबर पैटर्न्स में इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे, फिल इन द मिसिंग नंबर 35, 33, 31, 29 एंड नेक्स्ट हो गया 27। हर एक नंबर के बाद माइनस टू होते जा रहे हैं, यानी दो नंबर माइनस होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट सीक्वेंस हो जाएगा 27। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फुट प्रिंट, सेप आइडेंटिफाई एंड मैचिंग सेप। इसके अंतर्गत उन्हें सेप को आइडेंटिफाई करना बताया जाता है और सेम सेप को मैचिंग कैसे करते हैं ये बताया जाता है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल मैच द ऑब्जेक्ट विथ इट्स सेप, इसके ऑब्जेक्ट के जो सेम सेप के ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ उनको मैच करना है। देखिए ट्रायंगल एंड ट्रायंगल केक शेप में हो रहा है, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल इरेजर है, तो इसको सेप को मेजरमेंट करना बताया जाता है। जैसे इसी प्रकार देखिए राइट ट्रू और फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड लुक लाइक सर्कल, ट्रू, दिस इज क्या हो गया ट्रू। फिर नेक्स्ट देखिए लुक लाइक रेक्टेंगल्स नॉट फॉल्स, ये क्या हो रहा है फॉल्स, दिस इज लुक लाइक स्क्वायर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस इनसे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है जग्स एंड मग्स, इसके अंतर्गत मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, एस्टिमेशन ऑफ कैपेसिटी एंड कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटी बताया जाता है, यानी किसी चीज़ को मेजरमेंट कैसे करते हैं, लगभग कैपेसिटी क्या हो सकती है और उनके बीच कंपैरिजन कैसे करना है, ये चीज़ इन्हें बताया जाता है। चलिए एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल द करेक्ट यूसेज ऑफ कंटेनर, ये ग्लास है, ड्रिंक मिल्क और वाटर या बाथ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं या नहा सकते हैं, तो दिस इज क्या हो गया ड्रिंक मिल्क और वाटर। इस प्रकार ये कैपेसिटी मेजरमेंट करना बताया गया, जैसे कप ड्रिंक ऑफ कॉफी या स्टोर वाटर, तो ड्रिंक ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे एस्टिमेट ऑफ वॉल्यूम द फॉलोइंग कंटेनर वाइज चूजिंग द करेक्ट आंसर, इसके अंतर्गत कैपेसिटी एस्टिमेट ऑफ कैपेसिटी देखेंगे। जैसे वन गिलास इजकल टू टू कप, वन कप इजकल टू थ्री कप, ये छोटे कप्स हैं, ये तीन छोटे कप्स वन बड़े कप या मग के बराबर होगा। तो इस तरह इन्हें एस्टिमेट कैपेसिटी मेजरमेंट करना बताया जाता है। और नेक्स्ट इसकी में आपका आ जाता है तीसरा टॉपिक कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटी, यानी दो कैपेसिटी में कंपैरिजन कराना जाता है। जैसे टिक द कंटेनर डैट कैन होल्ड मोर क्वांटिटी, इस सब में सबसे ज़्यादा मोर क्वांटिटी किस में आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बकेट, बकेट में सबसे ज़्यादा मोर क्वांटिटी आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है टेंस एंड वंस, सॉरी इसके अंतर्गत रिप्रेजेंट नंबर्स इन द टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस नंबर को रिप्रेजेंट करना बताया जाता है और नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म बताए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम देख लेंगे, देखिए मैच द फॉलोइंग इस प्रकार के नंबर्स आते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट एंड टोटल्स नंबर कितने हो रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे सर्कल द नंबर्स डेट हैव सिक्स इन टेन प्लेस, सिक्स जो है टेन प्लेस पर किस में आ रहा है, हैविंग सिक्स, सब में क्या हो रहा है, सिक्स जो है टेन प्लेस पर आ रहा है और किस में, सर्कल द नंबर डेट हैव सिक्स इन द टेन प्लेस, तो इसमें जो है टेन प्लेस पर नहीं आ रहा है, ठीक है। सर्कल द नंबर डेट हैव वन इन द वन प्लेस, वन आ गया, यहाँ वन आ गया, उन सबको सर्कल करते जाना है जहाँ जहाँ पर सिक्स इन टेन प्लेस, तो सिक्स इन टेन प्लेस जो है, एक मिनट, सर्कल द नंबर डैट हैव सिक्स इन टेन प्लेस, तो सिक्स टेन प्लेस पे किस में जिसे हमें सर्कल करना है, जैसे देखिए ये हो गया वन टेंस, तो टेन प्लेस पे हो गया, फिर ये टेन प्लेस पर सिक्स है, यहाँ पर टेन प्लेस पर सिक्स है एंड यहाँ पर टेन प्लेस पर सिक्स है, ये जहाँ जहाँ पर सिक्स टेन प्लेस पे उसे हमें सर्कल करना है। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन आते हैं, या दूसरा इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, रिप्रेजेंट द नंबर गिवन बिलो इन टेंस एंड वंस यूजिंग बाय ऑब्जेक्ट योर चॉइस, जैसे वन सेवन को हम क्या लिखेंगे, वन टेंस एंड सेवन वंस। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 10, माई फन डे, इसके अंतर्गत टाइम से रिलेटेड टॉपिक को रिप्रेजेंटेट किया जाता है, इसके अंतर्गत वीक डे मंथ एंड ईयर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे इस प्रकार के टॉपिक आ जाते हैं, डे में ये सारे डे इन्हें बताए जाते हैं, इन्हें बताया जाता है कि देयर आर सेवन डे इन ए वीक, दे आर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, इसी प्रकार दे आर 12 मंथ इन अ ईयर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इस प्रकार आ जाते हैं, विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे, तो आंसर इज सैटरडे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है ऐड आवर पॉइंट्स, जिसके अंतर्गत एडिशन बच्चों को बताए जाते हैं वन डिजिट के, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 इज इक्वल टू 5, इसी प्रकार गिव एंड टेक, इसमें टू डिजिट्स के नंबर के एडिशन सब्सट्रैक्शन बताए जाते हैं, और फिर वर्ड प्रॉब्लम बताए जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के अंतर्गत रियल लाइफ एप्लीकेशन वर्ड प्रॉब्लम भी बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन एन एप्पल लैंड रीमा एंड हर फ्रेंड्स प्लांटेड 25 बिग ट्री एंड 31 स्मॉल ट्री, तो रीमा एंड हर फ्रेंड प्लांटेड नंबर्स ऑफ ट्री इन टोटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडिशन, और इन दोनों को प्लस करके लिखना है, तो क्या हो गया 5 + 1 = 6, 2 + 3 = 56, यानी रीमा एंड हर फ्रेंड प्लांटेड 56 नंबर ऑफ ट्री इन टोटल, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है लाइंस एंड लाइंस, इसमें बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चंस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइंस कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी काइंड्स ऑफ लाइंस, लाइंस कैन बी स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, एंड देन स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड इन स्लैंटिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन सॉरी स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, इस प्रकार के हो जाते हैं स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन, और कर्व लाइंस एग्जाम्पल इस प्रकार कर्व लाइन होते हैं, इससे संबंधित इनको क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स टेक द टाइप्स ऑफ लाइन सीन इन इस फिगर गिवन बिलो एंड क्रॉस द टाइप्स ऑफ नॉट लाइन लाइन नॉट सीन इन गिवन पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल्स दिया हुआ स्टैंडिंग लाइन हो रहे हैं यस, स्लीपिंग लाइन हो रहे हैं एंड स्लैंटिंग लाइन नहीं हो रहे, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड स्लैटिंग लाइन नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है द लॉन्गेस्ट स्टेप, इसके अंतर्गत बच्चों को मेजरिंग लेंथ बताया जाता है एंड एस्टिमेटिंग लेंथ, यानी लेंथ को मेजर करना और लगभग कितना लेंथ हो सकता है इमेज करना, ये सिखाया जाता है। इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए कॉफी मग में मेजर अबाउट 1 फिंगर्स, और गिटार में मेजर अबाउट 4 हैंड स्पैन,
ये क्या हो गया एस्टिमेटिंग लेंथ। नेक्स्ट मेजरिंग लेंथ के लिए एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम। तो फिट या हैंड स्पैन में हम इसे मेजरमेंट करना इस क्लास में बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हाउ मेनी पॉनीटेल्स, इसके अंतर्गत कलेक्शन एंड टैब्यूलेशन, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा ऑफ डाटा। इसमें पहले भी क्लास फर्स्ट में उन्हें बताया गया था डाटा हैंडलिंग के नाम से, और इसमें इस प्रकार के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कलेक्ट ऑन डाटा ऑफ डिफरेंट टॉयलेट ईच ऑफ योर क्लासमेट हैज एंड टैब्यूलेटेड, जैसे टॉय एंड नंबर ऑफ क्लासमेट्स, कार कितने हैं, ऑटो कितने हैं, साइकिल, वैन, बस, स्पाइडरमैन। इसी प्रकार अदर टैबुलेटेड डाटा में इस प्रकार के आ जाते हैं, जैसे टैबुलेट ऑफ डाटा रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, जीके, नंबर्स ऑफ बुक कितने रहते हैं इसमें। फिर इस प्रकार के ये ग्रुप्स बने रहते हैं, इसको देख कर यहाँ पर इन्हें काउंटिंग करके लिखना होता है। देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, जैसे ये जीके के हैं, साइंस है, इंग्लिश है, कौन से सब्जेक्ट के कितने बुक हैं, इसमें इमेज में डाल के इसके काउंटिंग नंबर्स लिखने होते हैं। तो इस प्रकार का ये डाटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही इसके अलावा जनरल जो क्वेश्चन रहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर उन्हें करवाया जाता है, सक्सेसर एंड प्रीसेसर करवाया जाता है। सक्सेसर में जैसे प्लस वन करवाया जाता है, जैसे 56 प्लस वन इजकल टू हो जाता है 57, ये हो गया सक्सेसर। और प्रीडेशर मतलब 56 माइनस वन इजकल टू 55, तो माइनस करवाया जाता है तो जस्ट उसके पहले का नंबर ये होगा प्रीडेशर। फिर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू उन्हें क्लास फर्स्ट में करवा दिए जाते हैं, वापस इसी के क्वेश्चंस कुछ और किए जाते हैं। फिर एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी क्लास सेकेंड में करवाए जाते हैं, जिससे संबंधित वर्कशीट मैं आपको आगे की वीडियो में लेकर आऊँगी। तो आप खुद भी इस तरह के प्रैक्टिस सीट बनाकर बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और हमारे चैनल पर भी इस तरह की प्रैक्टिस सीट आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल पर बने रहें, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।